भगवान के नाम का स्मरण करना और उसकी महिमा बता रहे हैं। बैसाख सुदी पांचम संवत 1995 4 मई 1938 कलयुग में भगवान के नाम की विशेष महिमा है। केवल जप करने मात्र से अज्ञान का नाश हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की परी पुरानी घास। भगवान के नाम से सारे पापों का नाश होता है। अब यदि कोई कहे कि हम तो नाम लेते हैं लेकिन हमारे पापों का नाश नहीं हुआ, इसमें क्या कारण है? आप तो कहते हो कि जप करने मात्र से, नाम लेने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, तो हमारे तो पाप नष्ट नहीं हुए, क्या कारण है? तो इसका उत्तर यह है कि हमको विश्वास नहीं है कि हमारे पाप नष्ट हो गए। आपको विश्वास नहीं होता है ये नया पाप कर दिया। नाम ने तो पाप का नाश कर दिया, परंतु आपने अविश्वास करके उन पापों को वापिस जिला दिया। जैसे अग्नि का काम जलाना है, उसी प्रकार भगवान का नाम हृदय में धारण करने से पापों का नाश करना है। हृदय में नाम धारण करने में कमी होने से पाप नाश में थोड़ी देरी लगती है। आप देरी को ही समझ लेते हो कि पाप नष्ट नहीं हुआ, ज्यों के त्यों पड़े हैं, ऐसा नहीं है। हमारा तो सिद्धांत है, संतों ने जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ बात है कि जिह्वा से उच्चारण मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। फिर भी जो इसको कठिन मानते हैं उनके लिए नाम लेना कठिन है, और जो सरल मानते हैं उनके लिए सरल है। जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति है और प्रकाश करने की शक्ति है, पर ये दोनों शक्तियां कब मिलती हैं? जब अग्नि प्रकट हो जाए तो अग्नि में दो शक्ति, एक तो जलाने की, एक प्रकाश करने की। ऐसे ही भगवान के नाम को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। प्रकट करने के बाद भगवान के नाम में विश्वास और श्रद्धा, ये दो चीजें प्रकट हो जाएंगी। अश्रद्धा से यदि कोई नाम लेता है और एक श्रद्धा प्रेम से नाम लेता है, दोनों में अंतर है। जैसे अग्नि के ताप और प्रकाश में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, परंतु अग्नि के द्वारा यज्ञ करना चाहोगे, वहां मंत्र के बिना अग्नि परमात्मा में श्रद्धा नहीं करा सकती। मंत्र बोलोगे और विधि पूर्वक यज्ञ करोगे तो श्रद्धा होगी, परमात्मा में कल्याण करेगी। लेकिन नाम तो श्रद्धा प्रेम के बिना और श्रद्धा करने वाला दोनों लिए जाए, दोनों प्रकार के आदमी हैं, तो एक जैसा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। श्रद्धा प्रेम से जो नाम लेता है उसके हृदय में और ढंग का प्रभाव है,
और बिना श्रद्धा के लेता है उसके यहां और ढंग का प्रभाव है। और ये बात ठीक भी है, भगवान के न्याय में एक जैसे प्रभाव पड़ेगा तो न्याय में बाधा पड़ती है। प्रधानता तो नाम के महिमा की है, लेकिन श्रद्धा और प्रेम होने से पूरा फल मिलता है। खास बात सुनिए, परंतु एक विशेष बात है कि श्रद्धा नहीं होने पर भी जो नाम लेता है उसको दंड नहीं मिलता कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा क्यों नहीं हुई, ये दंड नहीं मिलता, पाप नहीं लगता। बिना श्रद्धा के भजन का फल उतना नहीं होता, लेकिन पाप नहीं लगता। श्रद्धा होने से उसका फल विशेष बढ़ जाता है। नाम के उच्चारण मात्र से पाप का नाश नहीं होता हो तो आदमी नाम लेता है, तो फिर उसकी लेने की फिर इच्छा क्यों होती है? राम 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 राम, एक नाम से पाप का नाश हो जाता है, फिर दोबारा वो क्यों लेता है? क्योंकि उसका पाप नष्ट हुआ है इसलिए लेता है। और आप कहते हो कि पाप नष्ट नहीं हुआ, ये उल्टी धारणा क्यों बनाते हो? यदि धारणा ही बनाओ तो सुलटी बनानी चाहिए, ताकि हमारी नाम में विशेष श्रद्धा हो जाए। प्रभु में श्रद्धा अश्रद्धा किया प्रेम ज्ञान से भी फल होता है। श्रद्धा न करो तो भी जहर पीने से मृत्यु होगी। विष को यदि ज्ञान और प्रेम से संशोधन कर लेंगे तो वो जीवन दान देने वाला होता है। ये कुचेला वगैरह है, बहुत जहरीले होते हैं, पर इनको शुद्ध कर लेते हैं। ऐसे ही श्रद्धा और प्रेम से बहुत जल्दी हम लोग दरिद्रता दूर कब होगी? जब इसमें हमारी जानकारी होगी कि ये पारस है और इसको छूने से सोना बनता है, तब दरिद्रता दूर होगी। ईश्वर को जानने से कल्याण होता है, ईश्वर के ध्यान से, नाम से, बैर से भी ईश्वर के साथ संबंध होता है और कल्याण हो जाता है। राम नाम मणि दीप धर जी देहरे द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे सो उजियार। राम नाम रूपी मणि है, वो दीपक के समान है, परंतु एक बात है, दीपक तो हवा से बुझ जाता है, मणि बुझती नहीं है। विषय रूप हवा से दीपक बुझ जाता है, पर मणि कभी नहीं बुझती। बाहर चिन्मय भगवान विराजमान होते हुए भी अंधकार होने से दिखते नहीं है। इस संसार रूप भूत से हम लोग कांपते रहते हैं, यदि प्रकाश हो जाए तो भय का नाश हो जाए। नाम रूपी मणि के प्रकाश से संसार रूप भूत भग जाता है। बाहर में प्रकाश होने से भगवान ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से प्रकाश होने पर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, अपने हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। तो प्रकाश नाम के जप से होता है। दिया सड़ाई में प्रकाश और ताप दोनों हैं, परंतु दिया सलाई को घिसेंगे तब वो आग प्रकट होगी। ऐसे ही दिया सलाई माने भगवान का नाम, दिया सलाई का बक्सा है हमारा हृदय, और नाम तूल की रगड़ से प्रकाश होता है, और प्रकाश होकर के पापों का नाश होता है। पापों के नाश से फिर भगवान का ज्ञान होने में समय नहीं लगता है।
आजकल कहते हैं कि सब जगह भगवान है, पर मालूम क्यों नहीं देता कि हमारे पाप के अंदर नजर रहती तो भगवान कहां दिखेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है पर प्रेम से प्रकट होते हैं। दिया सलाई में आग रहती है, ऐसे ही नाम में भगवान विशेष रूप से रहते हैं, परंतु जब दिया सलाई को घिसेंगे तब न आग प्रकट होगी। ऐसे ही भगवान को हम लोग चाहेंगे, इच्छा करेंगे, तब भगवान नाम से प्रकट होंगे। चलो उससे भी नहीं हो तो भी नाम जब करते 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 वो दिन भी आ जाएगा। हम तो कहते हैं नाम का जब पाप नाश के लिए करना नहीं चाहिए। पाप का नाश होता है ये तो बच्चों को फांक देने के समान है। छोटे छोटे बच्चे उनको फांक दे रहे हैं गोली फुसलाने के लिए। ऐसे ही नाम जब पाप नाश के लिए नहीं करना है, नाम जब तो भगवान में प्रेम करने के लिए करना है। पाप नाश की बात तो बच्चों को फांक देने के समान है। जैसे अग्नि से दो काम अभी बताया, प्रकाश और दीप्ति, ये तो मुसलमान ईसाई भी लेते हैं किंतु श्रद्धा पूर्वक यज्ञ नहीं करते। श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करने से अग्नि भी मुक्तिदायी हो सकती है। श्रद्धा करने से भगवान प्राप्त होते हैं। कोई कहते हैं हमको तो परम पद चाहिए, अरे भगवान में सब चीज आ गई, परम पद भी भगवान में ही आ गया। हमको दूसरों को परम पद देने की शक्ति आ सकती है, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। भगवान से प्रेम करने से कल्याण हो जाता है, यह तो एक बहुत साधारण बात है, किंतु हमारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमारा ही कल्याण हो। अपना उद्देश्य तो यह रहना चाहिए कि सबका कल्याण हो। हमारे पाप नाश तो बिना श्रद्धा के ही हो जाएंगे। पाप नाश के लिए क्यों नाम का उपयोग करो? यदि पाप रह भी गए तो पाप का तो फल भोग लेंगे, दुख होगा दुख भोग लेंगे, दुख भोगने से पाप नष्ट होता है, नरक में जाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। परंतु हमें तो नाम के द्वारा भगवान में प्रेम करना है, भगवान की शरण लेनी है, सब जगह भगवान का स्वरूप देखना है। नाम जप करने से अंतःकरण पवित्र होता है, कीर्तन जोर से करने से आलस्य का नाश होता है। भजन की शास्त्रों में बड़ी महिमा है, गरण सुधा सम अरिहित होई, यही मणि बिनु सुख पावन कोई। विष भी अमृत हो जाता है, बैरी भी मित्र हो जाता है, उस नाम रूपी मणि के बिना कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता।